तो हमारे सतवीर जी पूरी तरह रेडी हैं यहाँ पर। और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका DDS पे और लेसन नंबर 11 पे। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गाड़ी को कैसे पैरेलल पार किया जाता है। ये तीन गाड़ियां आप देख पा रहे हैं और ये बीच वाली जो गाड़ी है मैं बीच में पार करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप जल्द से जल्द सीख सकते हैं पैरेलल पार करना। तो पैरेलल पार्किंग में आपने दो गाड़ियों के बीच में अपनी गाड़ी लगानी होती है। तो इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि गाड़ी को आगे वाली गाड़ी के पैरेलल लेके आए, यानी कि बगल में जाकर खड़ा करें। सो स्टेप नंबर टू ये है कि गाड़ी में रिवर्स गियर लगाकर स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड को घुमाकर और अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ लेकर जाएं। स्टीयरिंग फुल काटना है या हाफ काटना है वो डिपेंड करता है आगे और पीछे वाली गाड़ी के बीच में डिस्टेंस कितना है। और अपनी गाड़ी को पीछे तब तक लाते रहें जब तक आपकी गाड़ी के राइट साइड का पिछला हिस्सा पीछे वाली गाड़ी के आगे के राइट हिस्से की सीध में ना आ जाए। और इसके बाद आपने स्टीयरिंग को अपोजिट डायरेक्शन यानी कि राइट साइड में घुमाकर गाड़ी को पीछे जाते रहने देना है, आपकी गाड़ी लगभग सीधी हो जाएगी। और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को हल्का सा आगे करके बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पे खड़ा कर सकते हैं। तो अब मैं पीछे वाली गाड़ी के पीछे आ चुका हूं। अब पैरेलल पार करने के लिए सबसे पहले मुझे गाड़ी को आगे वाली गाड़ी के पास लेकर जाना पड़ेगा, तो मैं लेकर जाता हूं उसके पास। तो लगभग आगे वाली गाड़ी के आपने पैरेलल लेके जाना है। उसके बाद करना क्या है, आपने स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड को मोड़ना है, रिवर्स गियर लगाना है। तो रिवर्स गियर लगाने के बाद धीरे धीरे जो है अपनी गाड़ी को पीछे जाते रहने देना है। तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे पीछे जाएगी और जाते रहने दीजिए। और एक बार स्टीयरिंग को आपने फिर सीधा कर देना है जब आपकी गाड़ी तिरछी हो जाएगी। जब आपकी गाड़ी तिरछी हो जाएगी और एक सर्टेन पॉइंट में पहुंच जाएगी, आपने इस रियर व्यू मिरर में देखना है कि आपका जो पीछे वाला जो पहिया है लगभग उस गाड़ी के आगे वाले पहिए की सीध में आ जाना चाहिए। और ये जो आगे वाला हिस्सा है आगे वाली गाड़ी से थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए। तब आपने धीरे धीरे स्टीयरिंग को राइट साइड को मोड़ना शुरू करना है। और आप जैसे ही राइट साइड को मोड़ना शुरू करते हैं आपकी गाड़ी सीधी हो जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं एकदम जो है सीधी डायरेक्शन में आ गया है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे करके आपने आगे वाली गाड़ी और पीछे वाली गाड़ी के बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्टेंस बना के रखना है। सबसे पहले मेरे को अपनी गाड़ी को आगे वाली गाड़ी के पैरेलल लेके जाना है। जैसे ही मैं उसके पैरेलल लेके जाऊंगा, पैरेलल आने के बाद मुझे रिवर्स लगा के अपनी गाड़ी को पीछे लेकर जाना है। और जैसे ही मेरी गाड़ी का राइट वाला पिछला हिस्सा उसके आगे उसके राइट वाले पहिए से थोड़ा सा अंदर सा आ जाएगा ना, जैसे आपको दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी का पिछला हिस्सा लगभग उसके सीध में आ गया उसके राइट वाले टायर के। और यहाँ से मैंने अपना स्टीयरिंग फुल काट दिया है राइट साइड की तरफ। अब आप देख पा रहे हैं एक बार में ही मेरी गाड़ी जो है परफेक्टली बीच में आ गई है। अब मैं स्टीयरिंग को पूरा लेफ्ट लेके फर्स्ट गियर लगा के बिल्कुल सीधा पैरेलल पार कर दूंगा। स्टीयरिंग हो गया सीधा और गाड़ी मेरी परफेक्टली खड़ी हो चुकी है। अब बात करते हैं गाड़ी को निकालना कैसे है। गाड़ी को निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, रिवर्स गियर लगाना है। रिवर्स गियर लगाया और स्टीयरिंग को पूरा लेफ्ट काट दीजिए। लेफ्ट काटने के बाद उसको थोड़ा सा एक दो फीट तक अंदर जाने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हल्का सा आपका आगे का हिस्सा इधर की तरफ हो जाएगा। उसके बाद आपने स्टीयरिंग को पूरा राइट काटना है। राइट काटने के बाद फर्स्ट गियर लगाना है और अपनी गाड़ी को वहां से निकाल देना है। अगर आपके आगे और पीछे की गाड़ियों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है तो आप आसानी से उसको निकाल पाएंगे। एक बार फिर से पैरेलल पार्क करके देखते हैं। रिवर्स लगाया, गाड़ी को जाने दिया बीच में। यहाँ पर काफ़ी क्लोज खड़ी करी है मैंने गाड़ी,
इसलिए जो है थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन हाँ आराम से। और एक्सलेटर का यूज़ ना करें, सिर्फ क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी मेरा जो गाड़ी का राइट वाला पीछे का हिस्सा है, उसके आगे के टायर से अंदर की तरफ आ गया, जैसा मैं शीशे पे देख पा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने पूरा स्टीयरिंग राइट को काट देना है, ठीक है? ये लगभग जो है अंदर आ गई है। अब मैं फर्स्ट गियर लगा के स्टीयरिंग को पूरा लेफ्ट घुमा के इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगा। तो यहाँ पर प्रॉपरली खड़ी हो गई, और दोबारा से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जो है रिवर्स गियर लगाया, स्टीयरिंग को लेफ्ट लिया और गाड़ी को थोड़ा सा पीछे जाने दिया, ठीक है? अभी भी डिस्टेंस में देख पा रहा हूँ काफ़ी है मेरी गाड़ी जिसमें मैं बैठा हूँ और पीछे की गाड़ी में, ये काफ़ी नॉइज़ कर रहा है। अब फर्स्ट गियर लगा के पूरा राइट हैंड साइड में मोड़ दिया, जो है अब गाड़ी आपकी बाहर प्यार से निकल जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप पैरेलल पार्क कर सकते हैं दो गाड़ियों के बीच में बिना किसी परेशानी के, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो मेन अतिथि हैं आज के, इधर आओ, ये चाह रहे हैं कि ये भी पैरेलल पार्क करें ऐसे ही, तो करना चाहेंगे सर आप? हाँ बिल्कुल ट्राई करेंगे और मजा आने वाला है, बने रहें वीडियो पे। तो चलो भाई साहब, तो हमारे सतवीर जी पूरी तरह रेडी हैं यहाँ पर, अब देखते हैं कैसे पार्क करते हैं। और आपको क्या लगता है, वो पीछे वाली डिस्टेंस कुछ कम नहीं है? ठीक ठाक है। क्या बात है भाई गॉड क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश, हो गई गाड़ी सीधी नहीं हुई है, खड़ी तो हो गई है, सीधी भी करनी है। क्या बात है, आप देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेटली सतवीर ने खड़ी कर दी एक ही बार में बिना किसी परेशानी के। तो जैसा कि आपने देखा कि सतवीर भाई ने एक बार में ही गाड़ी पार कर दी थी, ऐसे आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो वीडियो में बताए गए पॉइंट्स थे उन पे आपको सिर्फ ध्यान देना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।